में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी आपसे बताया था, उसमें अभी प्रॉपर्टी को और बताना है। तो अगली प्रॉपर्टी है हाइड्रोक्सिल अमीन का योग एल्डिहाइड और कीटोन पर कैसे होता है, यह हम आपको बताएंगे। HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, इस पर NH2OH का योग होगा, NH2OH, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं, NH2OH को हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, और इसकी अभिक्रिया से ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा HCH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्योंकि फॉर्मिक एसिड से इसकी अभिक्रिया है इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, यही एस्टेल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा और एस्टेल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, ये एसिटेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड बनेगा, यही CH3 होल ट्वाइज सी डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH, ये बनेगा। तो ये CH3 होल ट्वाइज सी डबल बॉन्ड NOH एसीटॉक्साइन बनेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइन बनाता है, इसे ऑक्साइन बनेगा। अगली अभिक्रिया है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण, देखिए हैलोजनीकरण की जो क्रिया होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से होती है, दोनों से हैलोजन अभिक्रिया करता है, जैसे CH3CHO अगर Cl2 से अभिक्रिया करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो CCl3CHO बनाएगा, CCl3CHO प्लस HCl बनाएगा, और यही अभिक्रिया अगर एसीटोन से कराई जाए, यही अभिक्रिया अगर एसीटोन से हो, ब्रोमीन की अभिक्रिया हो तो बनेगा CH2BrCOCH3, CH2BrCOCH3 प्लस HBr बन जाएगा। तो इस हिसाब से इसका हैलोजिनेशन है, ये मोनोब्रोमो एसीटोन है, मोनोब्रोमो एसीटोन है ये। तो ये अभिक्रिया आपकी हैलोजनीकरण है। अगला हैलोफार्म अभिक्रिया, हैलोफार्म अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की अभिक्रिया होती है,
अगला है हैलोफार्म अभिक्रिया। हैलोफार्म रिएक्शन, देखिए जो हैलोफार्म अभिक्रिया होती है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन की क्लोरीन और एनएओएच के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जिसमें ये CH3CHO अभिक्रिया करता है क्लोरीन से और NaOH से, कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करता है। कास्टिक सोडा से ये अभिक्रिया करता है तो ये बन जाएगा CCl3CHO प्लस 3NaCl प्लस 3H2O, ये बन जाएगा आपका क्लोरल बन जाएगा। और इस क्लोरल की यानी CCl3CHO की अभिक्रिया हम फिर अगर NaOH से करा दें कास्टिक सोडा से तो इससे क्लोरोफार्म बनेगा और HCOONa बन जाएगा, जिसको हम सोडियम फार्मेट कहते हैं। ये आपका क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म है और सोडियम फार्मेट बनेगा। ये तो एस्टेल्डिहाइड से हमने कराया है, एस्टेल्डिहाइड से ये अभिक्रिया हमने कराया है। यही अभिक्रिया एसीटोन से भी हो सकती है, ये एसीटोन से होगी 3Cl2 प्लस 3NaOH, ये बन जाएगा CCl3COCH3, ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। लेकिन इसी ट्राइक्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया अगर पुनः NaOH से करा दी जाए, पुनः NaOH से करा दी जाए तो ये बन जाएगा फिर क्लोरोफार्म बन जाएगा, और क्लोरोफार्म के साथ साथ CH3COONa बन जाएगा, जिसको सोडियम एसीटेट कहते हैं। तो ये हैलोफार्म अभिक्रिया है। हैलोफार्म अभिक्रिया में क्लोरीन और NaOH की अभिक्रिया दोनों से कराई जाती है और इससे क्लोरोफार्म बनता है। अब अगला जो इसका इसकी प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड और कीटोन की, वो प्रॉपर्टी है कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन अभिक्रिया। अगला है कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया या कंडेंसेशन रिएक्शन, देखिए कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का संघनन होगा। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का संघनन करेंगे, एल्डिहाइड को इस तरीके लिखा जाएगा, एक मॉलिक्यूल ये हो गया एल्डिहाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा
एल्डिहाइड का और यह अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यह भी एस्टेल्डिहाइड है और यह भी एस्टेल्डिहाइड है, NaOH के साथ यह अभिक्रिया करेगा तो CH3CH और यह H और यह O, OH फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये आपका बन जाएगा एल्डोल बन जाएगा, इसको एल्डोल कहते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड, और फिर ये गर्म किया जाएगा तो ये वाला जल इसका बाहर निकल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये जल का अणु यहां से बाहर जाएगा और जब जल का अणु बाहर चला जाएगा तो एकल बंध द्विबंध में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम क्रोटेन एल्डिहाइड, इससे क्रोटेन एल्डिहाइड बनेगा। फिर एसीटोन की अभिक्रिया होगी तो एसीटोन का भी संघनन होगा CH3CH3 डबल बॉन्ड O, ये आपका एसीटोन है एक अणु और दूसरा अणु है ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये CH3 है। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होगा और बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में है तो CH3 OH यह O और यह H CH फिर C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है डाई एसीटोन एल्कोहल। फिर आयोडीन की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिया जाएगा तो ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा और जब ये -H2O होगा CH3 H डबल बॉन्ड O CH3 मेसिटिल ऑक्साइड बनेगा। तो इतनी अभिक्रियाएं हमने आपको बताई जो एल्डिहाइड और कीटोन में समानता प्रदर्शित करती हैं, ये भी एक अणु एसीटोन का है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में।